नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने MBBS कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 90 विजिटिंग कार्ड, 44 पोस्ट कार्ड साइज के विजिटिंग कार्ड, अलग अलग विश्वविद्यालयों के लेटर हेड, 3 एप्रेन, कई कंप्यूटर और अलग अलग जनपदों के सरकारी मेडिकल कॉलेज के 31 स्टंप बरामद किए हैं। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये चारों अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के ठग हैं, जो मासूम छात्र और छात्राओं से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनको देर रात सेक्टर 59 से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि हम और हमारे अन्य कुछ साथियों ने मिलकर योजना बनाई थी कि कुछ अमीर लोग जिनके बच्चों को MBBS के एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाता है, वो लोग पैसे के बल पर दाखिला दिलाने के लिए आसानी से मोटी रकम दे देते हैं और ज्यादा खोजबीन नहीं करते। इसी का फायदा उठा के हम लोगों ने योजना बनाई और अक्टूबर महीने में ऑनलाइन सेक्टर 62 के आइथम बिल्डिंग में बी टावर में 9th फ्लोर पर अपना ऑफिस ले लिया, जिसका किराया 60,000 रुपए महीना था। इसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया टीम नियुक्त की, जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां थी। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी MBBS कॉलेज में दाखिले के प्रचार प्रसार किए, जिसके बाद लोग आने शुरू हो गए। अभियुक्त पंकज खटीक, जिसके नाम पर ऑफिस लिया था, उसी के नाम पर ऑफिस का अकाउंट था। पुलिस के आगे इन्होंने बताया कि ये लोग एक वृद्ध व्यक्ति जो कि छड़ी लेके मेडिकल कॉलेज आता जाता रहता था, उसे डीन और प्रिंसिपल बना के पार्टी से मिलवा देते थे, जिससे पार्टी को यकीन हो जाता था कि इन लोगों को पैसे दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त सुनील इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है। सुनील इससे पहले अन्य जनपदों से चिटफंड घोटाला और ATM फ्रॉड में जेल जा चुका है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही गिरोह के सभी सदस्यों का मेलजोल बंद हो गया था। ठगी के शेष 2 करोड़ रुपए अभी इनके फरार अज्ञात साथियों के पास है। पुलिस अब इस गिरोह के सभी फरार साथियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस को इनके कब्जे से 90 विजिटिंग कार्ड, 44 पोस्ट कार्ड साइज के विजिटिंग कार्ड, अलग अलग विश्वविद्यालयों के लेटर हेड, 3 एप्रेन, कई कंप्यूटर और अलग अलग जनपदों के सरकारी मेडिकल कॉलेज के 31 स्तंभ बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। को जो हार्ड कैश में लिया गया था, इसलिए इन लोगों को कब्जे से अभी और बरामदगी होना शेष है। जो सुनील सिंह मेन अभियुक्त है, ये महोबा में बहुत अच्छा मकान बना रहा था, लगभग 60-70 लाख का पैसा उसी में डाल रखा है। तो इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई करने के बाद 14-1 में इन लोगों को मकान वगैरह कुर्की की जाएगी। और जो इस तरह का जहाँसा में नहीं आना चाहिए लोगों को, इसको आपको माध्यम से एक संदेश भी हम नोएडा पुलिस के द्वारा देना चाह रहे हैं हम लोग कि किसी भी तरह इस तरह का ठगी लोगों को गिरफ्त में मत आइएगा और सरकार का जो नीति नियम के अनुसार जो एडमिशन होना है उसी को फॉलो कर दीजिएगा। अनावश्यक इस तरह के ठगी लोगों को गिरफ्त में मत आइएगा। गाइडेंस क्लब क्या है नोएडा जोन में? सेक्टर 58 थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों को शिकायत होने लगी थी कि जो यूपी में कानपुर, बांदा, अलाहाबाद इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस में सीट दिलाने के नाम पर पैसा ले लिया गया और सीटिंग हो गई थी। इस शिकायत के बाद एडिशनल DCP रणविजय सिंह और ACP 2 रजनीश, इन दोनों द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई थी। इनको पूरा घटना को लेकर छानबीन किया गया था, फिर विस्तृत जांच के बाद एक मुकदमा लिखा गया था। इसमें कंप्लेंट्स बहुत लोग धीरे धीरे आने लगे थे। अन्य प्रदेशों में जैसे तेलंगाना से भी लोग आ गए थे कि हमारा सभी 60 लाख ले लिया गया था। इस तरह के अलग अलग लोगों से 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर ले लिया गया था। इसमें आदर्श और पंकज इन दोनों महोबा के थे और इन दोनों को PCR पे लिया गया था। उसी उन्हीं लोगों का निशानदेही पे हम लोग पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। उसमें एक मुख्य अभियुक्त है, उनका नाम सुनील सिंह है, और एक जो प्रोफेसर बन के जो इन लोगों को गुमराह करके अंदर जो मेडिकल कॉलेज में 5-10 मिनट घुमा के लिया जाता राज विक्रम है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। देखेंगे कि इन लोगों को जो एक क्लब है, जो गाइडेंस क्लब का नाम से ये लोग एक बनाए गए थे, जिसको लेकर ये लोग जो नीट एग्जाम के बाद जो लास्ट स्कोर्स वगैरह रहते हैं उन लोगों को सीट दिलाएंगे बोल के पैसा ले लिया गया था। और एक कॉल सेंटर भी बनाए गए थे इन लोगों के द्वारा सेक्टर 63 फेज 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो इन पूरा गैंग में अभी भी 2-3 लोग वांटेड चल रहे हैं।
अभी फिलहाल हम लोगों को कब्जे से जो मुहर है, जो जिस तरह ये लोग एडमिशन फेक एडमिशन पत्र देते हैं और जितने इन लोगों को जो कागज़ फर्जी दिखाते हैं इन लोगों को, इस तरह हम लोग एडमिशन दिला देते हैं। इस तरह का एक पूरा हम लोग कब्जे पे ले लिया गया और इसमें हम लोग गैंग का मेंबर्स को पता कर लिया गया, जल्दी बाकी मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें इन लोगों को टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।